Hello, my dear kids. Welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. So children, today we are going to learn English grammar, and this is a book. The name of your book is Grammar, Glitter, Odyssey, and I am Vandana. So children, today we are going to start with chapter number 1, and the name of the chapter is The Sentence. So yes, do you know what is a sentence? Sentence are a group of words that we use in our daily life. Sentence group of words hain jinhe hum apni daily life mein use karte hain. Here let's start from retract. A group of words which is arranged in such a manner that it makes a complete sense is called a sentence. तो सेंटेंस क्या है? कुछ वर्ड्स के ग्रुप को बनाना जो एक करेक्ट तरीके से अरेंज्ड हो एंड उसका कुछ ना कुछ सेंस निकलना चाहिए. दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, वी आर वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी. सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है इसका मीनिंग है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस है ये हमें बता रहा है कि हम एक अच्छी मूवी देख रहे हैं. द सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे एंड करता है और उसका कोई मीनिंग भी निकलता है. नेक्स्ट इज डू यू वॉन्ट टू मीट हर. क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ये भी कैपिटल से शुरू हो रहा है और एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है. कम हियर, इधर आओ. सो जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कोई किसी को बुला रहा है. ओ आई फॉरगेट टू कॉल यू. मैं तुम्हें बुलाना भूल गई. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न चिल्ड्रन अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. Now let's learn the parts of a sentence. कौन कौन से parts होते हैं sentence के? So the sentence is divided into two parts and it is subject and predicate. तो sentence को हम two parts में divide कर सकते हैं. क्या होता है subject? The subject is a person or thing about which we are speaking in the sentence. Subject क्या होता है? वो थिंग होता है या वो पर्सन होता है जिसकी बात हो रही है सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, द क्रूएल मैन थ्रू स्टोन्स एट द डॉग. तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल दिया गया है कि एक क्रूएल मैन था और वो क्या कर रहा था? डॉग्स पे स्टोन्स थ्रो कर रहा था. द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल वॉज स्नो वाइट. तो जितनी भी प्रिंसेस थी उन सब में से सबसे ज्यादा ब्यूटिफुल कौन थी? स्नो वाइट. तो इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? स्नो वाइट की बात हो रही है. सो हियर स्नो वाइट इज द सब्जेक्ट. नेक्स्ट कम्स द प्रेडिकेट. व्हाट इज अ प्रेडिकेट? व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात हो रही है दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली. रोम जो है इटली का कैपिटल है. सो यहाँ पे आप ये देखो पहले सब्जेक्ट क्या है, रोम. और रोम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इज द कैपिटल ऑफ इटली. तो इज द कैपिटल ऑफ इटली जो है प्रेडिकेट हो गया. ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज अ क्रैश. तो यहाँ पे क्रैश की बात हो रही है तो क्रैश इज द सब्जेक्ट. एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा प्रेडिकेट. द वर्ब इन द प्रेडिकेट डिस्क्राइब्स सम एक्शन दैट इज हैपनिंग इन द सेंटेंस. जो वर्ब है इस सेंटेंस में वो क्या बता रहा है? किसी भी एक्शन को बता रहा है, किसी भी काम को बता रहा है जो इस सेंटेंस में हो रहा है. द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द एक्शन डिस्क्राइब इन द सेंटेंस इन द सब्जेक्ट. सो ये जो वर्ड है या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक्शन को कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये डिस्क्राइब कर रहे हैं सेंटेंस को जिसमें ये सब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, द लायन किल्ड द डियर. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? द लायन, क्योंकि लायन की बात हो रही है और लायन के बारे में क्या बात हो रही है कि उसने क्या किया? डियर को किल कर दिया. तो
तो डियर जो सॉरी लायन क्या काम कर रहा है, डियर को किल करने का. सो किल द डियर हो गया हमारा प्रेडिकेट. सेकेंड, द डियर वॉज किल्ड बाय द लायन. अब इसी सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया, थोड़ा सा उल्टा फुल्टा कर दिया है. तो द डियर वॉज किल्ड बाय लायन, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. एंड बाय द लायन हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो आप देख सकते हैं द डियर वॉज किल्ड, डियर को मार दिया गया, तो ये हमारा प्रेडिकेट है. एंड किसने मारा, लायन ने ये काम किया है. सो बाय द लायन इज द सब्जेक्ट. लेट्स सी व्हाट्स रिटन हियर इन द इंटरप्रिटेशन. द सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन. सब्जेक्ट क्या है, हमेशा एक नाउन है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट एक्ट एज अ नाउन, जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं. सो चिल्ड्रन, आफ्टर लर्निंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेट्स क्विकली डू दिस बुक एक्सरसाइज. सो हियर द फर्स्ट ए एक्सरसाइज इज एनसर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को एनसर्कल करना है, सर्कल करना है, एंड प्रेडिकेट को हमें अंडरलाइन करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज तरुण इज क्वाइट लेट. तरुण जो है काफी ज्यादा लेट है, तो कौन लेट है, तरुण. सो तरुण इज द सब्जेक्ट, तो उसे हम करेंगे एनसर्कल. एंड इज क्वाइट लेट इज द प्रेडिकेट. नेक्स्ट सेकेंड वन, आउट ऑफ द ट्री फ्लू द बर्ड्स. तो बर्ड्स जो है उड़ रही हैं, कहाँ से उड़ रही हैं, ट्री से. सो यह आउट ऑफ द ट्री इज द सब्जेक्ट एंड फ्लू द बर्ड्स इज द प्रेडिकेट. थर्ड वन, द लॉस्ट चाइल्ड क्राइड हेल्पलेसली. सो द लॉस्ट चाइल्ड क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट. सो लेट्स एनसर्कल इट. एंड क्राइज हेल्पलेसली इज द प्रेडिकेट. सो आपको चिल्ड्रन एक बात पे ध्यान देना है कि जब भी हम प्रेडिकेट देखते हैं तो सेंटेंस में प्रेडिकेट के साथ हमेशा वर्ब आपको मिलेगा. जैसे यहाँ पे प्रेडिकेट में आप देख सकते हो क्राई एक वर्ब है. सो वर्ब ऑलवेज कम्स इन द प्रेडिकेट. फ्लू एक वर्ब है तो वो भी आ रहा है हमारे प्रेडिकेट में. यहाँ फर्स्ट में इज एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और वो भी आएगा हमारे प्रेडिकेट में. सो सिमिलरली चिल्ड्रन, ट्राई टू डू दीज थ्री क्वेश्चंस ऑन योर ओन. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अभी तो हमने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे किस किस काइंड के सेंटेंसेस होते हैं. सो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फाइव टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विथ अ मार्क ऑफ फुल स्टॉप. जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन डिटेल. फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस. अ स्टेटमेंट दैट मीन्स एन असर्शन और डिक्लेरेशन अबाउट समथिंग. वो सेंटेंस जो किसी चीज को असर्ट कर रहा है या फिर डिक्लेयर कर रहा है अबाउट समथिंग और somebody, किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सो एक सिंपल सेंटेंस को आप ये कह सकते हो कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. एंड दीज असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव ऑल्सो. सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज सेंटेंस विच इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं. आपने पूछा होगा बहुत लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन, मम्मी आज खाने में क्या बना रही है, या आज तुम कहाँ जा रहे हो. सो क्या ये सेंटेंसेज जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं यूजिंग वर्ड सच एज व्हाट, वेयर, हूज, हूम, व्हाई, व्हेन आर कॉल्ड WH क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. दे रिक्वायर अ स्टेटमेंट इन द रिस्पॉन्स टू देम.
तो अगर हम ये क्वेश्चन किसी से भी पूछेंगे, ये सेंटेंस किसी से भी बोलेंगे, अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी भी पर्सन से बोला तो वो रिप्लाई में एक हमें सेंटेंस बोलेगा। मम्मी से आपने पूछा मम्मी आज आप क्या बना रही हो, तो मम्मी का एक रिप्लाई आएगा। सो ऐसे सेंटेंसेस के बदले में एक रिप्लाई हमें ज़रूर मिलता है। अब मेरे येस और नो इज़ नॉट सफिशेंट टू आंसर देम। सो ऐसे सेंटेंस में सिर्फ येस और नो सफिशेंट नहीं होता है। एंड द एग्जाम्पल इज वाई शुड आई लीव द डोर ओपन, मैं डोर को ओपन क्यों रखूँ, तो क्या इसमें येस या नो आंसर मिल सकता है? नो, आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा कि डोर को ओपन क्यों रखना है। द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस अ कमांड, विश, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो ये जो सेंटेंस है ये कमांड्स बताते हैं, किसी को हम कमांड दे रहे हैं, किसी से कोई विश मांग रहे हैं, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट। इट इज इट ऑल्सो हैज अ फुल स्टॉप एट द एंड, तो इसके एंड में भी एक आपको फुल स्टॉप मिलेगा। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, तो आपने क्या कहा, कमांड दिया है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। डू योर वर्क नीटली, अपना काम ठीक से करो, साफ सुथरे ढंग से करो, तो आप क्या करो, किसी को एडवाइस दे रहे हो। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को कमांड देते हैं, किसी से विश करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। चिल्ड्रन एक बात का ध्यान हमें देना है कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है इसमें लास्ट में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क ही मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, दीज एक्सप्रेस अ स्ट्रांग एंड सडन रिएक्शन। ये क्या करते हैं, एकदम से सडन रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस को या फिर मूड को। इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके लास्ट में आपको हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। इन सच अ सेंटेंस द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज ऑफन समवॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वुड हैव बीन इन ऑर्डिनरी सेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं इसमें जो है ऑर्डर जो है दूसरों से थोड़ा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ क्लेवर यू आर, अब आपने कहा कि नहीं हाउ का मतलब तो क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे, बट नो यर हम वी आर एक्सप्रेसिंग समथिंग, अपने एक्सप्रेशंस को दे रहे तुम कितने चालाक हो। सो यहाँ पे हमने हाउ क्लेवर यू आर लिखा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एंड दीज एक्सप्रेसेस विश और प्रेयर, हम प्रे करते हैं, विश करते हैं, दैट दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मे गॉड हेल्प यू, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, विश मांग रहे हो कि भगवान तुम्हारी मदद करें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देगा। सो आफ्टर डूइंग दिस लेट्स डू दिस बी एक्सरसाइज चिल्ड्रेन, हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हमें पहचानना है किस तरीके का सेंटेंस यहाँ पे है। सो हियर द फर्स्ट वन इज व्हाट इज योर नेम, सो विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, इट इज इंटरोगेटिव। सो राइट हियर इंटरोगेटिव। सेकेंड वन हाउ वेल शी सिंग्स, वो कितना अच्छा गाती है, सो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट प्लीज वेट हियर, प्लीज यहां पे इंतजार करो, तो आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। सो विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हाउ नाइस ही प्लेड, आप देख सकते हो एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर? सो लाइक दिस चिल्ड्रन यू हैव टू फाइंड आउट वॉट टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर द रेस्ट, ये जो बचे हुए आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके के सेंटेंस हैं, एंड यू हैव टू राइट इट हियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब सेंटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया थ्री पार्ट्स में, जिसमें एक सिंपल सेंटेंस है, फिर कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है ये तीनों, लेट्स रीड। सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्हें थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। वॉट इज अ सिंपल सेंटेंस? अ सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सो सिंपल सेंटेंस में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट मिलेगा और वन प्रेडिकेट मिलेगा, एंड बाय इटसेल्फ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कंप्लीट। और इसका जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो खुद से ही कंप्लीट हो जाएगा, एंड नो एडिशन इज रिक्वायर्ड। और इसमें किसी तरीके की एडिशन की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल इज द गर्ल वॉज हंग्री, तो एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उसमें जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। नेक्स्ट कम्स अ कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो यहाँ पे जब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाते हैं। यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो आ जाते हैं। एंड इन दोनों सेंटेंसेस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस दैट ज्वाइन सिंपल सेंटेंसेस टू मेक देम कंपाउंड। सो दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। हियर द फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द सेकेंड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? फॉर एंड नॉर बट और एंड सो ऑन। सिमिलरली कम्स द कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये कौन से होते हैं? ईदर और, नीदर नॉर, दो येट एंड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मोहिनी इज वेरी पुअर, ये एक सिंपल सेंटेंस है। मोहिनी लीड्स अ कंटेंटेड लाइफ, ये दूसरा सेंटेंस है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे कंटेंटेड का मतलब होता है सिंपल लाइफ, मीन्स फुल ऑफ लाइफ। मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, भले ही वो वेरी पुअर है, मीन्स बहुत गरीब है, फिर भी उसे ऐसा लगता है कि उसके पास जिंदगी में हर कुछ है, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सो दिस मीन्स कंटेंटेड। सो वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस टू सिंपल सेंटेंसेस। इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करेंगे यूजिंग अ कंजंक्शन। सो व्हेन वी ज्वाइन दीज टू द सेंटेंस बिकम्स मोहिनी इज वेरी पुअर। पहला सेंटेंस सेम बट लीड्स अ कंटेंटेड लाइफ। तो यहाँ से हमने मोहिनी को हटाया और बट लगाया कि वो पुअर तो है लेकिन, बट मीन्स लेकिन, वो एक कंटेंटेड लाइफ जीती है। वी यूज अ कॉमा बिफोर यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स एज कंजंक्शन टू जॉइन सेंटेंसेस इन कंपाउंड। हम कॉमा को यूज करते हैं जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। थर्ड कम्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अभी हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हैज वन मेन क्लॉज, इसमें एक मेन क्लॉज होता है एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें एक या फिर उससे ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अथर वॉज ओवरजॉयड, तो ये आप एक कह सकते हो सिंपल सेंटेंस है। व्हेन ही गॉट द प्राइज, तो जब उसे प्राइज मिला वो ओवरजॉयड हो गया। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सच एज आफ्टर, जैसे कि आफ्टर हो गया, although हो गया, because, since, when। so ये सारे words आपको मिलेंगे कब? complex sentence में। it contains relative pronouns such as that, which, who, etc। now let's move on to the exercise number C। decide whether each sentence is simple compound or complex sentence। तो हमें बताना है कि which type of sentence is this। The first one is Lala likes eating chocolate। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है? Yes, this is a
simple sentence. Second one, I like a big dog while I saw a big dog while I was sitting in the park. तो यहाँ पे आप देख सकते हो I saw a big dog एक sentence हो गया, I was sitting in the park दूसरा sentence हो गया. Means दो sentences को यहाँ पे join किया जा रहा है और किससे join किया जा रहा है, while से join किया जा रहा है. So this is a complex sentence. Next, we never have dinner before 9 o'clock. हम जो है dinner 9 से पहले नहीं करते हैं. So यहाँ पे हमने क्या word use किया, before. So this is a complex sentence. So similarly children, you have to find out which type of sentences these are. Now children, let's move on to D exercise. Here you have to join these sentences using the word given. तो यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, इनसे हमें इन sentences को join करके one sentence बनाना है. Tom has a temperature, Tom has a sore throat. तो means Tom को temperature means बुखार भी है और उसका जो गला है वो भी खराब है. अब इन दोनों sentences को हमें and से join करना है, means उसको दोनों ही problem है, बुखार भी है और गला भी खराब है, इसलिए हम यहाँ पे and use कर रहे हैं. So what will be the sentence? Tom has a temperature and अब आप देखो Tom has मतलब दो बार लिखा है तो हम second time वाले को cut कर देंगे. So Tom has a temperature and sore throat. Clear? Now let's move on to the next one. I want to buy another car. मुझे दूसरी कार खरीदनी है. I have no money. मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है. तो हम इसे but से join करेंगे. One positive and one negative sentence here it is. So what we will write? I want to buy another car, but I have no money. कार तो खरीदनी है पर मनी नहीं है मेरे पास. क्लियर? नेक्स्ट इज आई फील स्लीपी, आई मस्ट फिनिश द रिपोर्ट. अब इसे कैसे ज्वाइन करना हमें, हाउएवर से. तो हम क्या लिखेंगे, आई फील स्लीपी, हाउएवर आई मस्ट फिनिश द रिपोर्ट. सो चिल्ड्रेन आपको क्या करना है, ऐसे इन सारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करना यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. सो कंप्लीट दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम मोर एक्सरसाइजेस. दिस इज एक्सरसाइज नंबर ई. रीअरेंज ईच सेट ऑफ जंबल वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इन द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है. With proper punctuation and capitalization, हमें punctuation mark भी लगाना है, full stop, question mark, exclamation mark और साथ में capitalize means capital letters से start करना है. So here the first one is we have to make this jumbled sentence into an interrogative sentence. तो jumbled form में दिए गए कुछ words इनको हमें sentence में form करना, और कैसा sentence, interrogative होना चाहिए. So let's do the first one. Cake, make, this, did, how, you. So what will be the sentence? How did you make this cake? Question mark. How did you make this cake? तुमने ये केक कैसे बनाया? क्योंकि ये interrogative sentence है तो हमें last में question mark लगाना है. So first letter is capital and last में question mark. Now the next one is once at here come. इसे क्या करना है, imperative में form करना है. So the sentence will be come here at once, full stop.
तो इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, कमांड दे सकते हो. तो आपने क्या बोला, कम हियर एट वंस, जल्दी से एक मिनट में यहाँ पे आ जाओ. तो सी कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप. सनराइज व्हाट स्प्लेंडेड अ, तो हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, व्हाट अ स्प्लेंडेड सनराइज एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि आप सनराइज की बात करो कि कितना सुंदर है ये सनराइज, तो आपने बोला व्हाट अ स्प्लेंडेड सनराइज एंड व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल एंड लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क. सो सिमिलरली चिल्ड्रन, यू हैव टू डू दीज टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर एफ. Identify the kinds of sentences. Mark A for assertive, I for interrogative, I am for imperative, E for exclamatory. In case of an assertive sentence, state whether it is affirmative or negative. तो आपको बताना है, अगर assertive sentence है तो A लिखना है, interrogative है तो I लिखना है, इम्पेरेटिव है तो आई एम लिखना है, एक्सक्लेमेटरी है तो ई लिखना है, और अगर असर्टिव है तो उसमें अगर वो पॉजिटिव है तो ए एस लिखेंगे, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, नेगेटिव है तो एन एस भी लिखना है साथ में. क्लियर चिल्ड्रेन? सो लेट्स डू द फर्स्ट वन. यू मस्ट नेवर डू दिस अगेन. सो दिस इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस, आप क्या कर रहे हो, किसी को आप जो है समझा रहे हो कोई बात. सो दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, हैव यू फिनिश्ड योर मील, क्या तुमने अपना खाना खा लिया, तो आप क्या करें, क्वेश्चन पूछ रहे हो. सो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. सिमिलरली थर्ड वन, टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, ये लो पानी का ग्लास, तो आप क्या कर रहे हो, कमांड दे रहे हो. सो दिस इज ऑल्सो इम्पेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ वन, दिस इज नॉट अ वेरी गुड एसे, बहुत ही अच्छा एसे नहीं है. सो दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव में अब आपसे कहा गया था कि ये अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है, दिस ऑल्सो यू हैव टू टेल. सो नॉट का यूज हुआ है इस सेंटेंस में, आप देख सकते हो, Not का यूज जब होता है तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस, तो ये लिखेंगे एन एस नेगेटिव. सो सिमिलरली चिल्ड्रेन, यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट आर लेफ्ट हियर. सो चिल्ड्रेन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर ऑफ सेंटेंसेस एंड यू हैव टू कंप्लीट द गिवन वर्क दैट इज गिवन टू यू हियर. आई विल बी मीटिंग यू सून एंड टिल देन स्टे रिलेटेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.